आदेश जय श्री महाकाल। असंभव के पार एक दुनिया है। आज आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो बहुत ही अद्भुत है। बहुत सारे लोग कई ऐसी समस्याओं से पीड़ित रहे हैं, निगेटिव एनर्जी से और कुछ ऐसी चीज़ें के नज़र लग जाना या घर में कोई समस्या आ जाना या ग्रह कलेश की स्थिति उत्पन्न हो जाना। तो इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ये बताया था बहुत पहले कि उनके ऊपर कोई तांत्रिक अभिचार कर देता है या कोई गलत तरीके की निगेटिव एनर्जी उनके परिवार के ऊपर चलाता है या नज़र लग जाती है। तो उसके लिए हमने दो प्रयोग दिए थे उस समय, प्रचंड तंत्रनाशक काली प्रयोग और इसके अलावा एक और हमने प्रयोग दिया था स्वयं से मारण कैसे लौटाएं माँ बगलामुखी का। तो ये जो दोनों प्रयोग हैं ये बहुत ही अद्भुत प्रयोग हैं अपने आप में। और आज एक और आप लोगों को इसी तरीके का प्रयोग बताने वाला हूँ जो प्रयोग अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो आज का जो ये प्रयोग है ये बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है। इस प्रयोग में क्या करना होता है कि सबसे पहले तो किसी एक मंत्र को आप जागृत कर लीजिए। अभी जैसे इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, इस नवरात्रि के समय पे यदि आप किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं तो सबसे छोटा विकल्प आपका ये है कि आप 21 माला किसी भी मंत्र की जाप कर लीजिए और एक माला आहुति कर दीजिए। इससे वो मंत्र जागृत अवस्था में आ जाएगा। जैसे ही मंत्र जागृत अवस्था में आ जाता है तो इसके बाद वो मंत्र उस व्यक्ति के लिए कार्य करना शुरू कर देता है या उस व्यक्ति की प्रार्थनाओं से वो मंत्र चलना शुरू हो जाता है जो व्यक्ति उस मंत्र को जागृत करता है। तो जैसे ही आप ये मंत्र जागृत कर लेते हैं इसके बाद आपको एक प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है कि आपके पास यदि कोई डमरू है या कोई डपली है या कोई ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पे आप चोट करेंगे या बजाएंगे तो वो ध्वनि फैलेगी। तो आपको क्या कार्य करना है कि कुमकुम में जल मिला के, जो आपके पास अगर डमरू है तो डमरू या फिर आपके पास अगर डपली है तो उस डपली के ऊपर या उस डमरू के ऊपर आपको जो कुमकुम है, कुमकुम में जल मिला के उस मंत्र का जाप करते हुए आपको डमरू के दोनों जो साइड होते हैं, दोनों जो पल्ले होते हैं, उन दोनों साइड पे आपको मंत्र लिख देना है। और अगर डपली है तो उस डपली के ऊपर आपको वो मंत्र लिख देना है जो मंत्र आपने जागृत किया है। और याद रहे कि जब भी आप वो मंत्र लिखें तो जाप करते हुए लिखें। जैसे मान लीजिए आपने ये मंत्र जागृत कर लिया, ओ माय ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। तो जैसे ही आपने ये मंत्र जागृत कर लिया तो इसके बाद आप उस डपली पे मंत्र जैसे आप लिख रहे हैं उस पे तो आप जाप करते रहेंगे, ओ मैं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओ मैं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ओ मैं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। ऐसे जाप करते हुए आप एक बार उस पर मंत्र लिख दीजिए। इसी तरीके से आप डमरू पे भी कर सकते हैं। जब आप ये कर लें तो इसके बाद आप प्रार्थना करें और जो अगरबत्ती होती है या धूप अगरबत्ती होती है उसको आप जला लें और जलाने के बाद मानस तरीके से याद करें उन शक्ति को, प्रार्थना करें कि हम ये क्रिया करने वाले हैं माँ कृपा करें। और इस क्रिया में ये होता है कि जैसे ही फिर आप उस डमरू को आप बजाएंगे, ठीक है, मंत्र को अगर आप मानसिक रूप से जाप करते हुए बजाना चाहते हैं तो जाप करते हुए, यदि आप मंत्र का जाप नहीं करते हैं मानसिक रूप में या अंदर ही अंदर अपने मानसिक तरीके से या फिर उच्चारण करते हुए, तो इसमें सीधा सा ये है कि अगर आप मंत्र नहीं करते हैं तभी भी अगर आप उस डमरू को या उस ढपली को आप बजाएंगे और उस ढपली या उस डमरू की आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाएगी वो जगह निगेटिव एनर्जी से क्लीन हो जाएगी उस दरमियान। यानी कि ये एक तरीके का, इस तरीके का उपाय है कि उस जगह को वो क्लीन कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी क्रिएट होती है कब तक रहती है, ये 24 घंटे तक इसका असर रहता है, 24 घंटे बाद वो हट जाती है। तो अब आपके मन में ये विचार आएगा कि अगर 24 घंटे बाद हट जाएगी तो फ़ायदा क्या होगा। देखिए फ़ायदा ये होता है कि जैसे कोई चोर है, यदि वो चोर किसी के घर में चोरी करने घुसता है और जैसे ही वो घुसता है वो उस घर का जो व्यक्ति है या चौकीदार है वो उसको रोज लाठी मारता है, तो इसके बाद क्या होगा कि वो चोर उसके यहाँ आना बंद कर देगा। क्यों बंद कर देगा? क्योंकि जब भी वो चोरी करने घुसता है तभी उसको लाठियाँ पड़ती हैं। तो इसी तरीके से ये प्रयोग है कि जब आप ये प्रयोग करोगे और जैसे ही कोई निगेटिव एनर्जी होगी तो इस मंत्र की शक्ति से वो निगेटिव एनर्जी तुरंत से हट जाएगी या उस निगेटिव एनर्जी का जो ओरा है या उसकी जो एनर्जी है वो कमज़ोर पड़ेगी। और जब लगातार आप हर 2-3 दिन में ये प्रयोग करते रहेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे वो निगेटिव एनर्जी हमेशा के लिए
आपके यहाँ से चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लगातार वो प्रयोग कर रहे हैं हर 2-3 दिन के अंदर। तो इस तरीके का ये प्रयोग है, बहुत ही अद्भुत प्रयोग है ये। नवरात्रि के समय पर आप किसी भी मंत्र को जागृत करके ये प्रयोग आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है इसमें। और अगर आप कोई विचार मानते हैं तो मंगलवार को छोड़ दीजिए, किसी भी दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके घर में ग्रह क्लेश रहता है या कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, अजीब सी वारदातें हो रही हैं कि अपने आप से टीवी चल जाना, अपने आप से फैन चल जाना, या फिर अजीब सी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो आप ये वाला प्रयोग आजमा सकते हैं। आपको इस प्रयोग को करने के बाद राहत महसूस होगी, आपको लगेगा, पता चलेगा कि हाँ फर्क पड़ा है इस चीज़ से और फ़ायदा हुआ है आपको इस चीज़ से। तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूँ इसका उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, इस जो ये आपको बताया है मैंने वाद्य यंत्र के ऊपर मंत्र को लिखने के बाद उसको बजाना और वो ध्वनि जहाँ जहाँ तक जाएगी, उसके बाद वो ध्वनि जहाँ तक जाएगी वहाँ से नेगेटिव एनर्जी को हटाएगी। तो ये जो प्रयोग है ये प्रयोग मिलेगा आपको गरुड़ पुराण के अंदर, गरुड़ पुराण में ये वाला प्रयोग आपको मिल जाएगा। आप गरुड़ पुराण जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये प्रयोग मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ हमने चेंजेस किए हैं, चेंजेस ये किए हैं कि जैसा कि गरुड़ पुराण में ये नहीं बोला गया है कि आपको किसी मंत्र को जागृत करना पड़ेगा, लेकिन यह हमने अलग से आपको बताया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी प्रयोग को करने जा रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनानी चाहिए। तो आप ये प्रयोग करिए, बहुत ही सटीक है, बहुत ही कारगर है और इसका उल्लेख भी गरुड़ पुराण के अंदर है। और जो हमारी पद्धति है या जो हमने अपना शोध किया है उसके माध्यम से भी आपको हमने बता दिया है, आप इस प्रयोग को खुद से कर सकते हैं। आपको किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है, और आप इस प्रयोग को करके अपने घर की निगेटिव एनर्जी क्लीन कर सकते हैं। और अगर किसी निगेटिव एनर्जी की वजह से ग्रह क्लेश की स्थिति है, घर में लड़ाइयां, झगड़े, फसाद, ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। आदेश, जय श्री महाकाल।